एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, में जो साइड पी आर और पी आर एंड पी क्यू है उस पर पॉइंट क्या है, रेस्पेक्टिवली एफ एंड ई है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन सा केस, केस फर्स्ट, स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर नॉट। यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि पहला केस में क्या गिवन है। ठीक है, पहला केस हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस पर एक पॉइंट हमने मान लिया ई, इस पर पॉइंट मान लिया एफ। यहां पर गिवन क्या है, पी ई दिस इज 3.9 EQ 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड आप सकते हैं। PF 3.6, PF 3.6, FR 2.4। अब ये पैरेलल EF पैरेलल टू QR कब होता है, PPT से हम लोग क्या पता है, अगर हमारा रेशियो यानी P अपॉन EQ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हम लोग ट्राई करते हैं, तो रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू क्या आएगा, 3.9 अपॉन 3 1.3, एंड हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, PF क्या है 3.6, this is 2.4। अब देख सकते हो कि PE by QE इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि PE by EQ not equal to PF by FR। So ई एफ ये जो लाइन है क्यू आर का पैरेलल नहीं हुआ, सो ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्या होगा, ये पैरेलल हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि इस केस में भी क्या हमारा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का सेकंड पार्ट है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर, पी आर इसमें पॉइंट हमने ज़ूम किया ई, ई किस पर है पी क्यू पर, एंड एफ ऑन पी आर। अब यहां गिवन क्या है, पी इज 4, क्यू इज 4.5, पी एफ इज 8, RF is 9। अब ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कब होगा, जब पी अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए पी एफ अपॉन एफ आर। करेक्ट, हम लोग ट्राई करते हैं पी ई अपॉन ई क्यू निकालने का, पी हमारा क्या है 4 और ई क्यू क्या है 4.5। अब प्लीज ऐसा कर सकते 8/9। सेकंड हम लोग देखते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ क्या है 8, एफ आर क्या है 9, दोनों वैल्यू सेम है, हाँ। तो यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू हमारा क्या मिला, सेम मिला, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दैट इज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड हम लोग करने वाले हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू साइड पर एक पॉइंट ई है एंड पी आर साइड पर पॉइंट एफ है और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ दिया हुआ, हमें ये बताना है कि ये
बेस जो है सर ट्रायंगल का उसके पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ई यू आर, हमने एक पॉइंट ई लिया और एक पॉइंट यहाँ एफ है जो पी आर पर है। पी क्यू इज 1.28, पी क्यू इज 1.28, पी आर इज 2.56, पी आर इज 2.56, पी ई इज 0.18, पी ई इज 0.18 एंड पी एफ इज 0.36। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं इससे क्लियरिटी है। अब यहां पर हमें पी पता है, पीएफ पता है, तो यहां पर एलसीएम से हमें यह भी पता था कि अगर ये पैरेलल होता है ईएफ पैरेलल टू क्यूआर, सबसे पहले हम लोग क्या रेशियो निकालने वाले हैं, पी ई अपॉन पी क्यू। अगर पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन पी क्यू, पी हमारा क्या है 0.18, पी क्यू कितना है 1.28, तो क्या आ गया 9/64। चिकन करके देखते हैं हम लोग, पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ हमारा क्या है 0.36 अपॉन 2.56, क्या आ गया 18/128 9/64। दैट मीन्स बोथ रेशियो आर सेम। यहां से हम ये दिख गया कि पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। दैट मीन्स हमारा जो ये है ई एफ, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, करेक्ट।